ग्राम पंचायत सबना में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बड़ी सक्रियता। नाव व धोबी की दुकान पर वोट मांगने लगे प्रत्याशी। बताते चलें कि नए नगर सबना में नाव व धोबी की दुकान पर बीडीसी के प्रत्याशी शिव कुमार श्रीवास्तव वोट मांगने निकल पड़े, जबकि अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुआ है। कौन सा चुनाव आप लड़ रहे हैं? बीडीसी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार श्रीवास्तव। आप वकील भी हैं ना? जी हाँ। हाँ, तो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अभी? फतेहपुर बीडीसी से। अच्छा, सबना का कुछ भाग गया है उसमें? हाँ, 11, 12, 13 तीन वार्ड गया है। हाँ, तो सबना में यही तीन वार्ड वालों से आप संपर्क कर रहे हैं? हाँ। बाकी लोगों से आपका मतलब नहीं होगा? नहीं है। मतलब है। हाँ। तो ये तीन वार्ड का 11, 12, 13 तीन वार्ड है। हाँ। तो इस तीन वार्ड में नए नगर भी है? नए नगर भी है। पूरा नए नगर? पूरा नए नगर। और कौन सा है? रेहरवा गाँव है। रेहरवा गाँव। अच्छा, और इधर का बड़के गाँव में से कुछ अंश है कि नहीं? नहीं, सीधा रोड। अच्छा, सीधा रोड पूरा दुकान। अच्छा अच्छा, ये भगवान टुगौरा चौकी मार्ग पर है, नए नगर से सबना तक। हाँ, सबना चौराहे तक। चौराहे तक। अच्छा, ये तीन वार्ड जो है, इसी तीन वार्ड में आप प्रचार कर रहे हैं इस समय? जी। बीडीसी चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ। यहाँ और कोई प्रत्याशी है या आप ही अकेले हैं इसमें प्रत्याशी हैं? यहाँ अकेले हैं। यहाँ आप अकेले हैं? तो इस समय त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में इतना जोर पड़ा हुआ है कि आप ये नाव की ढाबली तक प्रचार कर रहे हैं? जी हाँ। नाव की ढाबली हो गया है, और यहाँ कपड़ा प्रेस होता है, हैं? तो इन ये लोग आपके वोटर हैं? हाँ। अब इनसे आप संपर्क कर रहे हैं? संपर्क कर रहे हैं। दुकान तो आपकी है वहाँ से? आप ही दुकान चला रहे हैं ये बार वाला? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो आपके दुकान पे भी लोग प्रचार करने चले आते हैं? अच्छा, इस समय चुनाव प्रचार पर लोग इतना ध्यान दे रहे हैं कि नाव का ढाबली हो गया, या कपड़ा प्रेस करने की दुकान पे, चाय की दुकान पे, कोई एक स्थान भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीडीसी का प्रचार करते हुए। जैसे ये शिव कुमार श्रीवास्तव, ये वकील भी हैं पेशे से, ये बीडीसी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और इस समय नए नगर सबना में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीडीसी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है।